मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। साड़ी के पल्लू के जैसा फुकरा इंसान ने मनीषा रानी को अपने कंधे पे डाल लिया, या तो गमछा बोले, गमछा भी डाल लेते हैं पंजाबी में, परना भी डाल देते हैं, आई विश लोई डाल के घूमते रहते हैं पूरा फोल्ड करके। वैसे जो है मनीषा बहुत छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी है, जो कि फुकरा इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फुकरा इंसान ने बोल भी दिया है, भाई दूसरे लोग बोलेंगे कि तू मेरी कमजोरी है, पर मैं तुझे बोलता हूँ तू मेरी स्ट्रेंथ है, और ये सच में है। फुकरा इंसान और मनीषा में काफी ज्यादा मस्ती मजाक हो रहा है, और फुकरा इंसान उठते हैं तो उठते ही जो है मनीषा एक बार फिर से काटने आते हैं, उठा के अपने गले पे यही कंधे पे लटका लेते हैं और पूरा लगेज एरिया घूमते हैं। जहां पर मनीषा बोलती है तू साला कुछ भी कर ले पर हमें घुमा मत, हमें चक्कर आ जाता है। तो ये चीजें हो भी रही है, यहाँ पे नोचना भी है, सब चीजें करनी है। वहीं पर इन हरकतों से एल्विश ये बात बोल रहे हैं, भाई तू कर क्या रहा है, भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, अलग दिखेगा भाई, ये बाहर चीजें कुछ और दिखेगी, ये होगा वो होगा। अभी आपको पता है कि एल्विश को पता है कि बाहर जो है फुकरा इंसान और मनीषा को एज अ कपल के रूप में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पर एल्विश अब अंदर जाके चुप हो गए क्योंकि बहन भाई बोल दिया, और काफी सारे लोग भी वो हो गए कि रिश्ता चाहे जो भी है वो बात, हम लोग बस इनको साथ में देखना चाहते हैं। अब जिस तरीके से ये मस्ती कर रहे हैं, जिस तरीके से इनकी बॉन्ड नजर आ रही है, कोई एक्चुअली में मतलब कि मानेगा ही नहीं कि इनका रिश्ता कोई और है। ये रिश्ता मतलब कि एज ए कपल में ही अच्छा लगता है कि यार मजा आ रहा है, ये लोग ऐसे ही होने चाहिए। ऐसा रिश्ता हमने बिग बॉस 13 में देखा था, सिद्धार्थ और शहनाज का, सिद्धनाज का, जिसको एज अ लव में एज अ कपल में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अब क्या कहना चाहेंगे आप बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।